दोस्तों, सर्दी में होंठ फटने की समस्या बच्चों और बड़ों सभी में आम होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में पानी की कमी हो जाना, एलर्जी या विटामिन बी का कमी होना, या फिर आयरन की कमी हो सकता है। होंठ फटने के आम लक्षण है जैसे रूखापन, लालिमा, सूजन या दर्द होना। बाजार में अनेक तरह का प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध है जो रूखे और फटे होठों को इलाज करते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतरीन प्राकृतिक तरीकों से फटे होठों को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पहला है बादाम का तेल और एक या दो बूंद अंगूर के बीज का तेल या फिर नीम का तेल। सबसे पहले बादाम का तेल में एक या दो बूंद अंगूर का तेल या फिर नीम का तेल मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने होठों पर लगाएं और लगाकर ऐसे ही छोड़ दें। इसका इस्तेमाल कब तक करें? इस तेल के मिश्रण को पूरे दिन में 2 से 3 बार लगाएं। इसे आप रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं और रात भर के लिए इसे छोड़ भी सकते हैं। यह तेल बहुत ही बेहतरीन मॉइस्चराइजेशन होते हैं। इसमें स्वस्थ फैटी एसिड भी होते हैं जो होठों को मुलायम और कोमल बनाता है। दूसरा है शहद और वैसलीन। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होने के साथ साथ कई प्राकृतिक इलाज के भी गुण होते हैं। सबसे पहले शहद को कुछ मात्रा में लेकर अपने होठों पर लगाएं। अब शहद लगाने के बाद उसके ऊपर वैसलीन लगाएं, फिर 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। अब होठों से परत हटाने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। इस उपाय को 1 हफ्ते तक रोजाना पूरे दिन में 1 बार जरूर दोहराएं। तीसरा है गुलाब का पत्तियां और दूध। सबसे पहले दूध में 2 से 3 घंटे के लिए 5 से 6 गुलाब की पत्तियाँ को भिगो कर रख दें। फिर दूध में ही पत्तियों को हाथ से कुचल दें जिससे कि एक पेस्ट तैयार हो सके। अब इस पेस्ट को होठों पर लगाएं। लगाने के बाद 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। फिर ठंडे पानी से होठों को साफ कर लें। 1 हफ्ते के लिए इस उपाय को रोजाना दोहराएं। गुलाब की पत्तियों में त्वचा को पोषित करने का गुण होता है। इनमें के विटामिन ई भी मौजूद होते हैं। इनमें विटामिन ई भी मौजूद होता है यह त्वचा का प्राकृतिक रंग बनाए रखने में मदद करता है। दूध में लैक्टिक एसिड भी होता है जो होठों की परत से मृत कोशिकाओं को साफ करता है। दूध में आवश्यक जैसा विटामिन और खनिज होते हैं जो रूखे होठों को हाइड्रेट करते हैं और उन्हें पोषण देते हैं। चौथा, एलोवेरा की पत्ती। सबसे पहले एलोवेरा की पत्ती को एक तरफ से काटें और फिर उसमें से जेल को निकाल लें। अब इस जेल को अपने होठों पर लगाएं और लगाने के बाद रात भर के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। एलोवेरा जेल का रोजाना रात को सोने से पहले होठों पर जरूर लगाएं।